भिवानी से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें भिवानी में 3 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अस्पताल के बाहर कई युवकों ने ये हमला किया है। अजीतपुर गांव के रहने वाले हैं तीनों युवक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। दोनों पक्षों की विवाद की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। भिवानी में 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में एक युवक की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो पूरा हमला किया गया है, अस्पताल के बाहर युवकों ने ये हमला किया है और जो हमलावर है अजीतपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों। दोनों पक्षों में विवाद की वजह का अभी तक खुलासा सामने नहीं आ पाया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भिवानी में 3 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या वजह रही है, किस वजह से यह हमला किया गया है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें तीनों युवक जो है अजीतपुर गांव के रहने वाले हैं और अस्पताल के बाहर उन्होंने ये हमला किया है। दोनों पक्षों की विवाद की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक भारद्वाज भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए दर्शकों को। ये मामला है जो भिवानी के जो कदम अस्पताल मार्ग है यहाँ, और उस मार्ग के ऊपर जब एक सैनिक अपनी छुट्टी काट कर जो अपने घर लौट रहा था, और उसका भाई उसे ले जाने के लाने के घर लाने के लिए जो गया हुआ था, तो इस दौरान कहीं पर जो जिन युवकों ने हमला बोला है तेज हथियारों से, तो उनसे फोन के ऊपर भी जो बात हुई है सैनिक के भाई से जो मृतक है नवीन कुमार है। और उसके बाद ये जब वहाँ मौके पर जो उस जगह पर जिनको फोन के ऊपर इनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उस दौरान उनको वहाँ बुलाया गया, तो उसी समय वहाँ पर एकाएक जो हमला बोला जाता है तेज हथियारों से, और वहाँ जो नवीन है नवीन की जो मौत हो जाती है, और 2 व्यक्ति और हैं जो कि घायल हो गए हैं, तो उन्हीं के भाई हैं। और ये अजीतपुर गांव के रहने वाले हैं, भिवानी के नजदीक करीब 10-12 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है, और वहां से जो ये युवक है जो अपने भाई को लेने के लिए वहां गया हुआ था, तो अचानक जो हमलावर थे उनके बीच में जो बातें हुई हैं, और उनको मामले को लेकर पुलिस है वो जांच कर रही है। हालांकि जो 2-3 नाम सामने आए हैं, पुलिस उसमें तहकीकात कर रही है अपने स्तर के ऊपर। हालांकि अभी तक जो खुलकर मामला सामने नहीं आया कि किस बात को लेकर ये जो हमला हुआ है, और क्योंकि जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हुई है, और उसी को लेकर ये जो इस तरह की जो ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 1 की मौत होगी, 2 घायल हैं, पुलिस इस मामले में तहकीकात है वो कर रही है। जी अशोक, आरोपी भी फरार है, पुलिस ने उनको लेकर क्या कार्रवाई की है? देखिए फिलहाल जो आरोपी हैं जो फरार हैं, पुलिस ने अभी इस मामले में कोई जो क्लू नहीं जुटाए हैं और न ही अभी मीडिया के सामने पुलिस आई है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश है वो जारी है, पुलिस को जब पुलिस के सामने नाम आ चुके हैं तो उसके बाद अब वो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जो कहीं ना कहीं करेगी। लेकिन अभी जो हमलावर थे वो अभी तक कोई भी जो गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनके सामने अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही पुलिस ने आश्वासन दिया कि इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जी अशोक, सवाल खड़ा होता है कि अस्पताल के बाहर हमला करके तीनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर। देखिए प्रश्न चिन्ह ये होता है कि क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है कदम हॉस्पिटल, इसी मार्ग के उपाय ने कि अस्पताल के सामने थोड़ा कुछ दूरी पर ये जो घटना हुई है, और इसमें जो प्लानिंग के साथ ये जो हमला हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पहले से जो युवक थे जो हमलावर थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कहीं उनकी फोन पर बातचीत हुई है, जो ही ये लोग वहां पहुंचे हैं तो उसी दौरान इनके बीच में जो कहासुनी हुई, और कहासुनी होने के बाद में तुरंत चाकू छुरी जो चली है जिसके चलते इसकी मौत हुई है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें भिवानी में 3 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ है और दोनों पक्षों में विवाद की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।